हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। तो दोस्तों, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। और हमारे चैनल पे भी ट्वेल्थ की वीडियोस कंटिन्यू प्रोवाइड की जा रही है, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है आप लोग को जो बच्चे ट्वेल्थ के हैं। तो दोस्तों, रेशियो एंड प्रोपोर्शन को देखिए, कवर करने से पहले एक टॉपिक है जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि जो बच्चे सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, जैसे SSC, रेलवे, बैंक या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स क्यों ना हमारा हो, डिफेंस लाइन, मेडिकल लाइंस, कोई भी, तो बच्चे अगर GK एंड GS और रीजनिंग दो टॉपिक पे पूरा कवर करना चाहते हैं, रीजनिंग और GK GS इसकी पूरी तैयारी अगर करना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों, तो मेरा एक चैनल है टारगेट विथ राहुल सर, यहाँ पे आप जाइए, यहाँ पे रीजनिंग और GK GS की वीडियोस कंटिन्यू प्रोवाइड हो रही है। YouTube में सर्च कर लीजिए, इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल जरूर दबाइएगा, ठीक है, तभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आएगी। नहीं तो फिर डायरेक्टली ड्रीम क्लासेस खोलिए, होम पेज पे ही दिख जाएगा टारगेट विद राहुल सर, उसको खोलिए और उसको भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल दबा दीजिए। खास करके जो बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है, ज़रूर इसको कर लीजिएगा सब्सक्राइब। रीजनिंग की वीडियोज़ अभी प्रोवाइड की रही है, GK GS जल्द ही मिल जाएगा आपको। चलिए तो दोस्तों, टाइप 11 की ओर चलते हैं, एक क्वेश्चन बचा हुआ था, ठीक है, इसको हम कवर करते हैं, उसके बाद टाइप 12 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में, अपनी कॉपी में नोट करते जाइए आप लोग, बहुत फ़ायदेमंद है ये सभी क्वेश्चंस। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं, यदि पहली संख्या में से, या कहिए यदि प्रथम संख्या में 2 घटा दे तथा, आज गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, कोई बात नहीं, तथा दूसरी संख्या में एक सेकेंड, बोर्ड में दिख रहा है आप लोग को, थोड़ा सा लाइन पर रहिए, एक सेकेंड बिल्कुल वेट करिए थोड़ा सा, हाँ जी एक सेकेंड, हाँ चलिए दिख रहा है आप लोग को, हाँ बहुत अच्छा, तथा दूसरी संख्या में 2 जोड़ने पर इनका अनुपात, इनका अनुपात 1:2 हो जाता है, 1:2 हो जाता है, तो दूसरी संख्या और तो दोनों संख्या में अंतर ज्ञात करें, is equal to 1। मैंने बताया था, काफ़ी ट्रिकली सॉल्यूशन भी आपको बताया था कि संख्याएं जब रेशियो में हो, कह रहा है दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हो, मैंने बोला था दोस्तों अगर संख्या रेशियो में हो तो आप संख्या को क्या मान लेना, संख्या मान लेना x, तो ये हो गया 2x 3x, ठीक है, जब संख्या रेशियो में हो और जोड़ने और घटाने की बात करें तो आप संख्या को x मान लेना, 2x 3x। कह रहा है पहली में 2 घटा दे और दूसरी में 2 जोड़ दे तो संख्या हो रहा है 1:2 के बराबर हो रहा है। अब देखिए दोस्तों, रेशियो का मतलब ही होता है बटा, तो बटा 3x + 2 = 1/2, तिरछा तिरछी गुना करेंगे दोस्तों, 4x - 4 = 3x, एक से गुना करेंगे तो सेम रहेगा, एक जात वाले को एक तरफ करिए, 4x - 3x = 2, ये माइनस उधर जाएगा, प्लस x = 6। नाउ दोस्तों, x की वैल्यू 6 आ गई, हमें फाइंड आउट करना है दोनों संख्या में अंतर, तो एक संख्या दोस्तों 2x था, अंतर हमें फाइंड आउट करना है, तो एक है 3x, नहीं एक है 3x और एक है 2x, तो 3x - 2x = x तो हो गया, और x की वैल्यू हमें गिवन है 6 आंसर, यानी अंतर कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देते हैं कि अगर आपसे क्वेश्चन इस टाइप से रहे कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हो, ठीक है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हो, यदि प्रत्येक में 2 जोड़ दिया जाता है यदि प्रत्येक में 2 जोड़ दिया जाता है तो उनका अनुपात, एक सेकेंड,
दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हो, यदि पहले में यानी 3x 4x मानेंगे, कह रहा है पहले में 2 जोड़ दे और दूसरे में 1 जोड़ दे, तो संख्याएं आपस में बराबर हो जाती है 1:1। इसको पूछ रहा है कि पहली संख्या क्या थी। इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहे 3x + 2 / 4x + 2 = 1/1, तिरछा तिरछी गुना करते दोस्तों, तो ये तो सेम ही रहेगा, 3x + 2 = 4x + 2, नहीं सॉरी ये नहीं, दुगना हो जाए अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछते, ये 1/2 हो जाए, सॉरी क्वेश्चन मैं अपने मन से दे रहा हूँ इसलिए यहाँ पे थोड़ी गलतियाँ हो रही है मुझसे। चलिए तो 6x + 4 = 4x + 2, देन 6x - 4x = 2 - 4, हालांकि ये से सूटेबल नहीं रहा क्वेश्चन, तो x = -2 घटाना पड़ेगा, हालांकि इस क्वेश्चन को इग्नोर कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं आपके, ये क्वेश्चन थोड़ा सूटेबल रहा नहीं रियलिटी में, ये आ रहा होगा परफेक्ट समझ में जो अभी मैंने आपको बताया। अगले टाइप की ओर चलते हैं, हालांकि ये पिछला टाइप का छोटा हुआ एक क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन मैंने खुद का एक्सपेरिमेंट किया, इस कारण से ये एक्सपेरिमेंट जो है वो यहाँ पे सटीक बैठा नहीं, मुझे लगा कुछ एग्जांपल देकर स्टूडेंट्स को समझाया जाए, बट कोई बात नहीं। टाइप 12 की ओर आते हैं, मुझे लग रहा है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चल टाइप 12 की ओर आते हैं दोस्तों, बहुत अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टाइप 12। मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ बोर्ड के बारे में कि कैसा बोर्ड का है स्ट्रक्चर। हाँ जी बिल्कुल दिख रहा है आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए टाइप 12 में देखिए दोस्तों किस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, जो यहाँ पे मैंने बताया था उसके लिए वो मैंने खुद का एक्सप्लेनेशन करने की, मैंने खुद की एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश की। कह रहा है एक संख्या का 50%, क्वेश्चन है कि एक संख्या का 50% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर हो, तो आपको वही फाइंड आउट करना है पहला और दूसरा का रेशियो। कह रहा है एक संख्या का 50% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर हो, तो दोनों संख्याओं का अनुपात यानी ए अनुपात बी आपको फाइंड आउट करना है। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम बड़े आसान तरीके से कैसे करेंगे। कह रहा है एक संख्या किसका, आई डोंट नो कौन सी संख्या की बात कर रही है, तो हम जो है ना संख्या को मान लेते हैं, पहली संख्या को मान लेते हैं यक्स, क्योंकि यहाँ दो संख्या का जिक्र हो रहा है, दूसरी को मान लेते हैं बाई। कह रहा है एक संख्या का 50%, एक्स का 50% बराबर दूसरी यानी बाई का 2/3। कह रहा है एक संख्या का 50%, एक्स का 50% दूसरी संख्या बाई के 2/3 के बराबर है, तो यहाँ पे हमने बराबर का चिन्ह लगा दिया दोस्तों। का मतलब गुना होता है, 50% हटा, जहाँ पे ये दिख जाए ना समझिएगा 1/100 से गुना करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पे लगा हुआ है तो वहाँ 1/100 रख देंगे। बाई का मतलब गुना 2/3, देखिए दोस्तों 50 × 100 होता है, इधर बच गया x/2 = y × 2/3 लिख दीजिए। अब एक जात वाले को एक तरफ कर देते हैं, बाई को इधर लाएंगे तो ये गुना में है इधर आ जाएगा, तो भाग में x/y, और ये नीचे है तो उधर जाएगा तो ऊपर, ये सब चीज़ें तो आपको पता ही है दोस्तों। तो x/y बराबर 4/3 यानी x/y = 4:3, ये हमारा क्वेश्चन है। जल्दी से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए दोस्तों, ताकि हम अगले क्वेश्चन की ओर अच्छे से चल सके और आपको अच्छे से समझा सके। जल्दी जल्दी से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को और अगला क्वेश्चन हम आपको देते हैं बिल्कुल, ठीक है। ये टाइप हमारा 12 था, हाँ जी जल्दी से कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए टाइप 12 का क्वेश्चन नंबर हम देते हैं अगला, दूसरा नंबर क्वेश्चन, ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है कि हमारे स्टूडेंट्स को हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल समझ में आता है। क्वेश्चन है कि एक संख्या का 3/5 भाग, यदि एक संख्या का 3/5 भाग, एक संख्या का 3/5 भाग कौमा दूसरी संख्या के, हो सकता है उधर आपको ना दिखे कोई बात नहीं, दूसरी संख्या के 60% के बराबर हो, तो दूसरी संख्या के 60% के बराबर हो, तो वही पहली तथा दूसरी का अनुपात, ठीक है। कह रहा है एक संख्या का 3/5 भाग, तो सॉल्यूशन हम करते हैं दोस्तों, सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है, ठीक है, कि संख्या को हम मान लेंगे पहली को x और दूसरी को y, एक संख्या यानी पहली का 3/5 भाग और दूसरी के यानी y के
60% के बराबर है, तो बीच में बराबर का चिन्ह लगाएंगे। एक संख्या का 3/5 भाग यानी x का 3/5 इज इक्वल टू y का 60%। x का मतलब आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, गुना होता है। 3/5 इज इक्वल टू y इंटू 60, और मैंने बोला था जहाँ प्रतिशत दिखे दोस्तों वहाँ 1/100 से गुना कर देना। सिंपल सी बात है, 20 + 60 तीन बार में 20 = 2500। और देखिए दोस्तों, बराबर के ऊपर ऊपर भी कटता है, बराबर के नीचे नीचे भी कटता है, ये चीज़ें, क्योंकि दोस्तों इधर 3/5 दिख रहा है ना, इधर 5/3 होगा, तो 5 से 5 कट जाएगा, 3 से 3, यहीं पे क्यों ना काट दे। तो अब देखो दोस्तों, एक्स बाई को इधर लाएंगे, कटने के बाद कुछ नहीं तो एक तो ज़रूर बचता है, जीरो नहीं, घटने और जोड़ने पे जीरो बचता है, कटने पे नहीं बचता है। तो एक्स रेशियो बाई इज इक्वल टू 1:1, ये हमारा टाइप 12 था। जल्दी से कॉपी में नोट करिए दोस्तों इस क्वेश्चन को, कुछ भी डाउट हो नीचे कमेंट बॉक्स आप ही लोग के लिए बनाया गया है कि हमारे लर्नर्स, हमारे स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सके। जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलते हैं टाइप 13 की तरफ, और टाइप 13 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको डील करते हैं। देखते हैं कि टाइप 13 में किस टाइप के क्वेश्चन आपको सामने दिखेंगे और उसका हम ट्रिकली सॉल्यूशन कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों, सभी टीचर्स जो होते हैं वो ऐसे नॉर्मली पढ़ाते हैं, मतलब जो क्वेश्चन मन में आया बोर्ड में उठाकर दे देते हैं। और हमारे कोर्स की सबसे बड़ी खासियत ये है कि अगर आप हमसे क्लास करोगे तो हमारी वीडियोस जो मिलेंगे वो टाइम बाय टाइम मिलेंगे ही, ट्राई करूँगा मैं कोशिश, लेकिन एक चीज़ टाइम बाय टाइम मिलेगा ना, टाइप बाय टाइप मिलेगा, ठीक है। मैं रेशियो में टोटल 30 टाइप्स कवर करने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। और ये हमारा टाइप 13 है जिसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम आपके सामने लिखाने वाले हैं, ठीक है। लिखिएगा दोस्तों कि 3 संख्याओं का योग 64 है। क्वेश्चन है कि 3 संख्याओं का योग 64 नहीं, हम 128 लिखते हैं, ठीक है, ये लिखिएगा। 3 संख्याओं का योग 128 है, पहली और दूसरी का अनुपात, पहली संख्या और दूसरी का अनुपात, पहली और दूसरी का अनुपात 3:5 है, तथा दूसरी एवं तीसरी, तथा दूसरी एवं तीसरी का अनुपात, तीसरी का अनुपात 5:8 है, तो 5:8 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। चलिए दोस्तों, ये हमारा टाइप 13 है और इसके कुछ इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी बार पेपर में दिखा है अभी, और नॉर्मल है, बिल्कुल आसान तरीके से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखिए दोस्तों, कह रहा है 3 संख्याओं का योग 28 है, तो हम मान लें कि ए बी सी का बात कर रहा है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 128। अभी कह रहा है आपने कि, अभी कहा आपने कि 3 संख्याओं का योग 128 है, तो हमने लिख दिया ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 128, 128। अब देखिए दोस्तों, कह रहा है पहली और दूसरी का जो अनुपात है ना, ए और बी का जो रेशियो है वो 3:5 है, ठीक है, और दूसरी और तीसरी का जो अनुपात है यानी बी रेशियो सी जो है वो 5:8 है। तो दोस्तों, क्या मैंने आपको पढ़ाया था, कैपिटल स्मॉल का कोई बड़ा इशू नहीं है, क्या मैंने आपको पढ़ाया था कि ए बी दिया रहे, बी सी दिया रहे, तो किस तरीके से हम ए बी सी फाइंड आउट करेंगे। आई थिंक सो मैंने आपको पढ़ाया था कि जब ए बी दिया रहे, बी सी दिया रहे, ए बी सी बड़ा आसान तरीका है फाइंड आउट करने का, ए निकालना रहे, इन दोनों को गुना कर दीजिएगा। पिछले लेसन की जितनी भी वीडियोज़ है मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके 7-8 टाइप पार्ट होंगे रेशियो का टोटल। ए ज्ञात करना रहे, इन दोनों को गुना करेंगे, बी ज्ञात करना रहे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, 5 × 5 = 25, और सी ज्ञात करना रहे तो इन दोनों को गुना करेंगे, 8 × 5 = 40। और दोस्तों देखिए, ये कट भी रहा है, 5 × 3 = 15, 5 × 5 = 25, और 5 × 8 = 40, 8 बार में। अब ना दोस्तों, कह रहे तीनों का योग जो है वो 128 है, तो 128 है योग, और रेशियो में वैल्यू कितनी है, 5, 3, 8 और 8, 16, क्योंकि तीनों का तुलना तीनों से करेंगे ना, क्योंकि ये जो 28 है वो तीनों की वैल्यू है, और यहाँ पे रेशियो में उसकी वैल्यू है 5, 3, 8, 8, 16, और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, दूसरी संख्या फाइंड आउट करनी है, यानी बी चाहिए। बी की वैल्यू क्या है, जिसकी जिसके बारे में पूछे उससे गुना कर दीजिए, 8 बार में 16, 8 + 8 = 40 से 40 आंसर होगा दोस्तों, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। चलिए, इस टाइप के क्वेश्चंस को इस तरीके से हम डील कर सकते हैं, ठीक है।
जल्दी से कॉपी में नोट करिए, एक और क्वेश्चन हम आपको देते हैं, ठीक है? जल्दी से कॉपी में नोट करिए, बिल्कुल जल्दी से, जल्दी से। हाँ जी, जल्दी से कॉपी में नोट करिएगा। 15, 12, 10, 15, 12, 27, 10, 37। हाँ चलिए, कॉपी में नोट करिए। कर लिया नोट आप लोगों ने? आगे बढ़ते हैं। अब सेम क्वेश्चन रहेगा, सिर्फ यूनिट हम चेंज करेंगे। यहाँ पे यूनिट क्या चेंज करेंगे? कह रहा है कि तीन संख्याओं का योग 128 था, यहाँ पे हम लिखेंगे 740, ठीक है? क्योंकि हमें क्वेश्चंस बनाना है, लिखने से क्या फ़ायदा। तीन संख्याओं का योग 740 है, पहली और दूसरी का जो रेशियो है 5:4 है, और दूसरी एवं तीसरी का जो रेशियो है 6:5 है, ठीक है? और हमें यहाँ पे दूसरी नहीं फाइंड आउट करनी है, यहाँ हमें तीसरी फाइंड आउट करनी है। चलिए, सवाल तो बस अपने माइंड में खुद ब खुद बनना स्टार्ट हो जाता है, बस सोच अच्छी होनी चाहिए, नीयत अच्छी होनी चाहिए। नहीं तो यहाँ पे प्रश्न है कि तीन संख्याओं का योग 740 है, पहली और दूसरी का अनुपात 5:4, दूसरी और तीसरी का अनुपात 6:5, तो हमें तीसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ देखिए सॉल्यूशन करते हैं दोस्तों इसका। यहाँ पे हम लिखेंगे a+b+c=740। नाउ करें पहली और दूसरी, a:b=5:4, दूसरी और तीसरी b:c=6:5, देन वी विल फाइंड a:b:c 6:530, 6:424, 5:420। और देखिए दोस्तों सभी आपस में कट रहे हैं, दो से कट रहा है 15, 12, 10। नाउ ये रेशियो हमें गिवन हो गया। नाउ कह रहा है कि तीनों का योग है 740, तो तीनों का योग है 740, रेशियो में वैल्यू है 15, 12, 27, 10, 37, टोटल का कंपेरिजन टोटल से, और हमें सी की वैल्यू चाहिए, सी चाहिए ना, सी की वैल्यू है 10। ये दोस्तों आपको 20 बार में कटेगा, 200 आंसर, ठीक है? ये आंसर कितना होगा? 200 आंसर होगा। जल्दी से कॉपी में नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो हम आपको जल्दी प्रोवाइड करने वाले हैं। जल्दी से कॉपी में इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल हैं आपके लिए, आपके पेपर में आने वाले हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। आई होप सो कि कर लिया होगा आप लोगों ने नोट। चलिए अगला सवाल हम आपके सामने रखते हैं, इसे मैं मिटाता हूँ। कुछ भी डाउट लगे ना नीचे कमेंट बॉक्स है, हो सकता है कभी कभार मेरे से भी छोटी मोटी गलतियाँ हो जाए, तो नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट करना है आप लोग को अच्छे से। चलिए एक प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि चार संख्याएं इस प्रकार है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, हालांकि ठीक है कुछ बड़े बड़े क्वेश्चंस को डील करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। चार संख्याएं इस प्रकार हैं, चार संख्याएं इस प्रकार है कि a अनुपात b बराबर 2:3 कॉमा b अनुपात c बराबर 3:2 तथा सी अनुपात डी बराबर 4:3 हो तो, 4:3 हो तो सभी हो, 4:3 हो तथा सभी संख्या का योग, सभी संख्या का योग 10:20 हो, ठीक है? सभी संख्या का योग 10:20 हो तो बड़ी एवं छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करें, बड़ी एवं छोटी संख्या का, बड़ी एवं छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करें। चलिए दोस्तों जल्दी जल्दी से इस क्वेश्चन को डील करिए ताकि हम आगे बढ़ सकें और काफ़ी सारे इस टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर सकें।
आई होप कि दिख रहा है ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको अच्छे से नीट एंड क्लीन। इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना, इसके आप घर पे इस चीज़ का रिवीजन करिए, ठीक है, कि आपको बुक उठाइए और देखिए कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको बन रहे हैं नहीं। और मैं अभी भी बता रहा हूँ कि आपको रीजनिंग और जीके जीएस पढ़ना है तो हमारा खुद का चैनल है टारगेट विथ राहुल सर, मैं खुद ही वहाँ पढ़ाऊँगा, ठीक है। और अभी मैंने वहाँ रीजनिंग स्टार्ट कर रखा, और जैसे ही बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ जाएंगे काफ़ी संख्या में, तो मैं रीजनिंग जीके जीएस भी स्टार्ट कर दूंगा। बस उसके लिए करना कुछ नहीं है, कोई फीस कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल जरूर, नोटिफिकेशन बहुत ज़रूरी होता है, इस टाइप का घंटा का बेल होता है नोटिफिकेशन, इस पर एक बार जरूर जैसे ही सब्सक्राइब करो इस पर घंटा का बेल दबाओ, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इस क्वेश्चन को हम आपको डील करके देते हैं। क्वेश्चन है, चार संख्याएं इस प्रकार है कि ए अनुपात बी बराबर क्या गिवन है दोस्तों, 2:3। तो यहाँ हम लिख देंगे ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3, बी रेशियो सी इज इक्वल टू 3:2, सी रेशियो डी इज इक्वल टू 4:3। तो देखिए दोस्तों, ए बी गिवन है, बी सी गिवन है, सी डी गिवन है, तो हमने आपको सिखाया था ए बी सी डी फाइंड आउट करने के लिए। नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियोस डाली हुई है, रेशियो की टोटल देख लीजिए। ए फाइंड आउट करना रहे 4 × 12, इन तीनों को गुना करेंगे, 4 × 12 = 24, 24 में इधर वाले से भाग देंगे, मतलब इधर वाले से भाग देंगे और जो भागफल आएगा इधर से गुना करेंगे, तो 24 में 2 से भाग दिया 12, 12 × 3 = 36, पहला लाइन ख़त्म। दूसरा लाइन उठाएंगे, अब इसमें भाग देंगे ना कि इसमें, जो सामने से इधर से दिखे, 36 में इससे भाग देंगे 3 से, तो 12, और उस भागफल को 2 से गुना करेंगे 24। अब ये भी लाइन ख़त्म, अब इस लाइन को उठाएंगे, 24 में 4 से भाग देंगे 6, 6 × 3 = 18। देखिए दोस्तों, सभी जो है ना 6 से कट रहे, 6 × 24, 6 × 36, 6 × 24, 6 × 3 = 18। तो इस तरह से हमें ए बी सी डी फाइंड आउट हो गया। नाउ कह रहा है कि सभी का योग जो है यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 1020, ये कह रहा है। नाउ सभी का योग है 1020 और रेशियो में सभी का योग है 6 × 4 = 10, 4 × 14 = 3 = 17, ठीक है, 6 × 4 = 10, 4 × 14 = 3 = 17। टोटल का कंपेरिजन टोटल से, तो कह रहा है बड़ी एवं छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करें। तो आप देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा क्या दिख रहा है, सबसे बड़ा ये दिख रहा है, कह रहा है बड़ी एवं छोटी संख्या का अंतर, और सबसे छोटा कौन दिख रहा है दोस्तों, ये दिख रहा है, क्योंकि ये दोनों तो बिल्कुल इक्वल है ए और सी, तो सबसे बड़ा बी दिख रहा है, सबसे छोटा डी दिख रहा है, इन दोनों के बीच कितना का अंतर है, 3 का अंतर है। तो दोनों के यानी बी माइनस डी, बड़ा तो बी है छोटा डी है, इन दोनों के बीच का अंतर बी माइनस डी, 17 × 85, 17 × 62 से 180 आंसर। चलिए उम्मीद है कि समझ में आया होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं ये सभी, और भी टाइप बाय टाइप आपको प्रोवाइड करते रहेंगे प्रतिदिन शाम में 7 बजे। आप लोग बिल्कुल भी फ़ोन लेकर रहिएगा, आपको वीडियोस प्रोवाइड हो जाएगी। लाइव सेशन में कुछ टेक्निकल इशू के कारण लाइव सेशन नहीं करवा रहे हैं, पर वीडियो आपको कंटिन्यू मिलेगा, ठीक है, बाय दोस्तों।